काम करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ, इनको मोटिवेट करो, अच्छे कमेंट्स करो, अच्छे सजेशन दो, तो ये भी अच्छा काम करेंगे। बाकी बाबा भोलेनाथ की जय। आज का मौसम कुछ ऐसे, ये देखें भाई लोग क्या हो रहा। हाय, दिस इज बर्थडे बॉय, ही इज बर्थडे बॉय, हैप्पी बर्थडे भाई। भाई साहब बन गया आपकी रील भाई, एक नंबर बनी है, बनी है। इतनी ज्यादा ठंड हो रही है कि आवाज ही नहीं निकल पा। अच्छा, अंदर देखते हैं क्या हो रहा है। हाँ, अंदर देखो, अंदर ये देखो बाबे, देखो जाओ अंदर, जाओ नेक्स्ट लेवल व्यू। अंदर बाबे 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 बाबे, मिल गया केक, मिल गया केक, मिल गया। एक मिनट केक, एक मिनट। अरे भाई पॉपकॉर्न जल गया, तो ये बन रहा है पॉपकॉर्न। थोड़े से जल गए थे इसमें और थोड़े से। कैसा लग रहा भाई जी? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। कभी-कभी भाई साहब, हाँ मैं उत्तराखंड से, जय बाबा के राम, जय बाबा भाई। ज्यादा जल गया शायद। ये हमारे कैंप की कुछ ऐसी ही हालत हुई है, देख सकते हैं। तो भाई देख रहे हो किस किस तरह से यहाँ पे जुगाड़ हो रहे हैं और भयंकर व्यू आ रहा है। हेली पुल में निकल ले गया और भाई ऐसे ही बाहर निकल रहे हैं। ओ भाई ये देखो नजारे यार, ओहो, हर हर महादेव बोले, हर महादेव। बड़ी कैसा बनाया सू? बहुत टेस्टी। आप बताओ कैसे बनाया? मजा मजा। तो दोस्तों आज है केदारनाथ से विदाई, और केदारनाथ जाने से पहले एक बार दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद निकलते हैं। आज का शेड्यूल बताएंगे कैसे कैसे रहेगा। फिलहाल तो चल रहे हैं मंदिर और कैंप साइड छोड़ चुके हैं यहाँ से, तो देखें यहाँ पर इंडिया 24 की जो टीम है। तो हमारे भाई साहब हैं न्यूज़ रिपोर्टर, तो हम हैं इंडिया 24 से, और इंडिया 24 की जो टीम है वो केदारनाथ धाम पहुँच चुकी है, और आज हम जाने वाले हैं बद्रीनाथ धाम, और कोशिश करेंगे कि भाई भी आए वहाँ साथ में बद्रीनाथ धाम में। कल कपाट खुल रहे हैं, कल वहाँ कपाट खुल रहे हैं, तो वहाँ की भी कवरेज करनी है, जो पब्लिक है उनको पल पल की खबरें देनी है। ओके, थैंक यू भैया। ओके, तो मैं पहुँच चुका हूँ मंदिर में, और अंदर के दर्शन आपको नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। तो फिलहाल बाबा के दरबार में पहुँच चुका हूँ। देखे प्रॉपर हो गया नंदी महाराज जी। तो ये भीम शिला है जिसने 2013 में केदारनाथ मंदिर को बचाया था, और यहाँ से पीछे देख सकते हैं ये जो रास्ता निकल रहा है, ये आदिगुरु शंकराचार्य जी समाधि है, वहाँ पर निकलता है। आगे ये देखो सब अपना कैंपिंग का है सबका। यहाँ पे हमारे कुछ दोस्त है ऑल इंडिया ट्रैवलर, तो उनसे मिलते हैं। उनकी वीडियोस में देखा था मैंने कि वो कहीं यहीं पे अपना कैंप फिक्स कर रहे थे, शायद से ये वाला हो ऑल इंडिया। लाइक एंड सब्सक्राइब। कौन है भाई अंदर? वाओ, ये बन रही है कॉफी, हमारे ऑल इंडिया ट्रैवलर सोनू भाई। भाई हर हर महादेव आज अपने भाई को। तो अब जाके हो चुके हैं बाबा के दर्शन, और आज यहाँ से निकल रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ। आज शायद से गौरीकुंड में रुकेंगे, तो काफी अच्छे रहे बाबा के दर्शन, 2-3 दिन से यहीं था। थोड़ा आज धूप लगी है काफी दिनों बाद, और
मौसम की बात करूं तो कुछ खराब चल रहा था 2-3 दिनों से, बाकी बाबा की कृपा और जल्दी से फिर से आऊंगा यहाँ पर बाबा के चरणों में। शायद से जुलाई अगस्त में अपने बर्थडे पे यहाँ पर आ सकता हूँ, तो तब तक बने रहें। तो ये है केदारनाथ में घोड़ा पड़ाव, यहाँ से आप नीचे उतरने के लिए घोड़ा ले सकते हैं। देख सकते हैं सारे घोड़े भी यहाँ पे खड़े हैं और तो देखे रास्ते में मुझे काफी बड़ा सरप्राइज मिला है। मुझे मिले हैं डिस्टेंस बिटवीन शुभम भैया, और इनके ब्लॉग में लगभग जब भी किसी भी ट्रैक पे जाता हूँ तो सबसे पहले इन्हीं का ब्लॉग देखता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं। और 2-3 साल से जब से आप चोपता गए थे तब से आपके ब्लॉग देखता हूँ। आप लोग भी अच्छा काम करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आगे बढ़ाओ, इनको मोटिवेट करो, अच्छे कमेंट्स करो, अच्छे सजेशन दो, तो ये भी अच्छा काम करेंगे। बाकी बाबा भोलेनाथ की जय। जय बाबा भोलेनाथ की। थैंक यू भैया, और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोग मिले हैं इस ट्रिप में। ओके, थैंक यू भैया। तो आज मैं जैसे केदारनाथ मंदिर से निकल रहा था तो जैसे ही घोड़ा पड़ाव नीचे घोड़ा पड़ाव पर पहुंचा तो पता चला कि मैं बैग पीछे केदारनाथ में छोड़ चुका हूं, और घोड़ा पड़ाव से फिर वापस जाना पड़ा मेरे को केदारनाथ बैग लेने के लिए। और खुश नसीबी देखो मेरे को यहां पे शुभम भैया मिले डिस्टेंस बिटवीन वाले, काफ़ी अच्छा गाइड करते हैं यूट्यूब पर, उनके ब्लॉग्स में भी देखते रहता हूँ, और तो अच्छा रहा उनके उनसे मिल के अच्छा रहा। अभी पहुंचने वाला हूँ गौरीकुंड, तो गौरीकुंड पहुंच के बताते हैं कैसे रहा आज का। बाकी देख सकते हैं यात्रा जो लगातार काफ़ी अच्छी चल रही है।